सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बेस्ट लैपटॉप्स अंडर ₹40,000 फॉर स्टूडेंट्स। इन लैपटॉप्स में आपको बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, लाइक 16GB की रैम, अच्छा 512GB की SSD, ठीक है, पावरफुल प्रोसेसर्स और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। तो भाई वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको अपने लिए एक बेस्ट लैपटॉप मिल जाए। और हाँ, सारी लैपटॉप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो भाई हमारी लिस्ट का सेकंड जो लैपटॉप आता है वो आता है लिनोवो की तरफ से। एंड ये लैपटॉप बेसिकली उन लोगों को टारगेट करता है जिनको अपने लैपटॉप में ज्यादा हार्ड वर्क तो नहीं करना है बल्कि नॉर्मली मल्टीटास्किंग करनी है। तो भाई लैपटॉप के फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो इंटेल का कोर i3 11th generation का चिपसेट आपको इसमें मिल जाएगा, जिसमें आपको 2 cores 4 threads एंड 6 MB की L3 कैशे मेमोरी भी मिल जाती है। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो 15.6 inches की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ ये लैपटॉप आपको मिलता है। और अगर वही मैं बात करूँ लैपटॉप के स्टोरेज की, तो भाई इसमें आपको 8GB की एक्सपेंडेबल रैम मिल जाएगी जिससे आप 12GB तक एक्सपेंड कर पाओगे, और साथ ही मिल जाएगी 512GB की SSD जिससे आप लैपटॉप के अंदर बड़ी बड़ी फाइल्स और सॉफ्टवेयर्स को आसानी से रन करवा पाओगे। लैपटॉप का जो बैटरी बैकअप है वो अराउंड 4 to 5 hours एंड इस लैपटॉप में आपको विंडोज 11 और MS Office प्रीलोडेड मिल जाएंगे। तो भैया आपको 40,000 के नीचे एक थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप चाहिए तो ये लैपटॉप आप कंसिडर कर सकते हो, जिसका नाम है लिनोवो आइडियापैड 3। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिस्ट में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारी लिस्ट के थर्ड नंबर लैपटॉप की, जो आता है एविता की तरफ से। 14 इंचेस के डिस्प्ले सेगमेंट में अगर आपको एक हार्ड मल्टीटास्कर लैपटॉप चाहिए तो ये लैपटॉप आप कंसीडर कर सकते हो। लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो इंटेल का कोर i5 10th generation का चिपसेट आपको इसमें मिल जाएगा, जिसकी जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है वो है 4.2 GHz और इस लैपटॉप के अंदर आपको 6 MB की L3 कैशे मेमोरी भी मिल जाती है। स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो 8GB की रैम आपको इसमें मिल जाएगी और साथ ही मिल जाएगी 512GB की SSD। और भाई 14 इंचेस की डिस्प्ले के साथ ये लैपटॉप आपको मिलता है जिसपे आपको अल्ट्रा HD ग्राफिक्स का सपोर्ट भी मिल जाएगा, और इसका फायदा आपको ड्यूरिंग कंटेंट कंजप्शन बहुत ज्यादा मिलेगा। बैटरी में आपको अप टू 4 to 5 hours तक का बैकअप मिल जाएगा और लैपटॉप के अंदर आपको विंडोज 11, फिंगरप्रिंट स्कैनर, बैकलिट कीबोर्ड एंड ऑल नेसेसरी पोर्ट्स आपको लैपटॉप में अवेलेबल होंगे जिन्हें आप अपने तरीके से यूज कर पाओगे। सो फाइनली अगर मैं बात करूँ लैपटॉप के प्राइसिंग की, तो लैपटॉप का नाम है एविता लाइबर लैपटॉप। फॉर प्राइसिंग आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं हमारी लिस्ट के फर्स्ट एंड फाइनल लैपटॉप की, जो आता है एसर की तरफ से। तो भाई जिन बंदों को अपने लैपटॉप के अंदर बहुत ज्यादा स्टोरेज चाहिए होता है वो इस लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज इस लैपटॉप में आपको 16GB की एक्सपेंडेबल रैम मिल जाती है जिसे आप 32GB तक एक्सपेंड कर पाओगे, और साथ ही मिल जाएगी 512GB की SSD और ये भी एक्सपेंडेबल है। तो भाई इस लैपटॉप के अंदर आपको स्टोरेज तो अच्छा खासा मिल जाता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ लैपटॉप की डिस्प्ले की, तो भाई इसमें आपको 14 इंचेस की TFT डिस्प्ले मिल जाएगी जिसपे आपको AMD के Radeon ग्राफिक्स का सपोर्ट भी मिल जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन की अगर इस लैपटॉप की मैं बात करूँ तो AMD का Ryzen 5 3rd generation का चिपसेट आपको इसमें मिलता है, जिसकी जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है वो है 3.7 GHz और इस लैपटॉप के अंदर आपको 4 MB की L3 कैशे मेमोरी एंड 4 cores लगे हुए मिलते हैं। एंड लैपटॉप का जो बैटरी बैकअप है वो अराउंड 4 to 5 hours एंड लैपटॉप के अंदर आपको विंडोज 11, MS Office एंड ऑल नेसेसरी पोर्ट्स मिल जाते हैं जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। सो भाई फाइनली अगर मैं बात करूँ लैपटॉप के प्राइसिंग की, तो भाई लैपटॉप का नाम है Acer 114। फॉर प्राइसिंग आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। तो भाई ये थे आज के हमारे टॉप 3 लैपटॉप्स अंडर ₹40,000। अगर आपको ये भी पसंद नहीं आए तो दो और लैपटॉप्स के लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, वो भी आप चेकआउट करके बाई कर सकते हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय।